नमस्कार मित्रों, हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएगी। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। यह हमारा सौभाग्य है कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जो 5 साल पहले नजर नहीं आता था, आज हिमाचल प्रदेश में ट्रिपल आईटी भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, एनआईटी भी है और 6 मेडिकल कॉलेज, 1500 करोड़ रुपए की लागत से एम्स अस्पताल, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से पीजीआई सैटेलाइट केंद्र और ऐसा ही नहीं, 180 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 500 करोड़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना जाने कितने शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन सड़कें, रेलवे जो कभी होता ही नहीं थी वो ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पूरी कर ली गई। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम तेज गति से शुरू करवाया गया है, जमीन अधिग्रहण का काम किया गया है। मैं तो ये कहूंगा ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है और ये विकास की रफ्तार को हम थमने नहीं देंगे। हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार फिर वापस आएगी। जैसे केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना में 5-5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में 60 करोड़ गरीबों तक, जरूरतमंदों तक देने का काम किया, प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने हिम केयर योजना के माध्यम से 5 लाख का इलाज देने का काम किया। केंद्र ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम किया, तो प्रदेश ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना माध्यम से रही जो बची हुई बहनें थी उनको भी 3 लाख से ज्यादा रसोई गैस का सिलेंडर चूल्हा देने का काम किया। केंद्र ने आपदा के समय 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंदों को 5-5 किलो अनाज 28 महीने तक मुफ्त में देने का काम किया, मदद की। वहीं पर प्रदेश ने लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी ओर से भी योगदान किया और अन्न देने का काम किया। केंद्र ने अगर 200 करोड़ वैक्सीन देश भर के लोगों को लगवाने का काम किया तो हिमाचल प्रदेश ने नंबर 1 पर पहली डोज भी और दूसरी डोज लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया। हर क्षेत्र में डबल इंजन की ताकत क्या होती है, केंद्र के साथ प्रदेश ने अपना काम कैसे किया है, ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी और ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी ये दिखाएगा इस बार जो पहले नहीं हुआ, इस बार फिर सरकार रिपीट करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जो और प्रोजेक्ट है, अब केबल कार से यानी कि रोपवे से चाहे शिमला हो या राज्य के बाकी हिस्से हो उनको जोड़ने का काम किया जाएगा, रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जब कहीं कांग्रेस की सरकारें थी तब जमीन अधिग्रहण तक नहीं किया गया, ये मोदी जी की सरकार है, ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन को दौलतपुर चौक तक पूरा कर लिया गया और जो देश की सबसे आधुनिक ट्रेन, सबसे ज्यादा सुविधाओं वाली ट्रेन और सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस देश की चौथी कोई चली तो हिमाचल प्रदेश के अम्ब इंदौरा ऊना से चली। ये कल तक कोई कल्पना नहीं कर सकता था। शिमला के लिए फ्लाइट चलाएगी, धर्मशाला के लिए 4-4, 5-5 फ्लाइट चलाएगी, कुल्लू के लिए फ्लाइट चलाएगी, उड़ान योजना से जोड़ा गया, हेलीकॉप्टर की सेवाएं दी गई, हेलीपैड बनाए गए, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिला है। आप कोई क्षेत्र उठाकर देखिए, शिक्षा का क्षेत्र हो तब हिमाचल आगे है, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो तब हिमाचल आगे है। औसतन अगर आप देखो, राष्ट्रीय औसत देखोगे तो मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं वो देश भर की औसत से हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र का एक उदाहरण बताना चाहता हूं, एम्स, पीजीआई और मेडिकल कॉलेज भी तीनों जिलों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, ट्रिपल आईटी भी, एनआईटी भी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी,
केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय, मुन्ना तलवाड़ा रेलवे लाइन भी तो भनपुरी बिलासपुर रेलवे लाइन भी, अगर कीरतपुर से लेकर बिलासपुर के लिए 4 लेन बनकर लगभग तैयार होने वाला है तो 2 घंटे 40 मिनट का समय 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। मटौर से शिमला की सड़क दुगनी से ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। ये डबल इंजन की रफ्तार है, फिर प्रदेश में भाजपा सरकार है। और मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से कि फिर वहीं पर मोहर लगाएं, कमल का बटन दबाएं 12 नवंबर को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। आपके कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अनुराग जी, आपने उपलब्धियां गिनवाई भाजपा सरकार की और अभी हाल ही में 3 नवंबर को आरबीआई की एक बैठक है महंगाई को लेकर, बहुत ही मदद जिसमें महंगाई दर 6 से ऊपर चली गई है, तो आप क्या सोचते हैं कि कुछ राहत मिल पाएगी इस बैठक के बाद? मैं धन्यवादी हूँ, आपने सवाल पूछा है। दुनिया भर के आंकड़े अगर आप देखेंगे, जिन देशों में 40-40, 50-50 साल तक महंगाई दर नहीं बढ़ी और एक फ्लैट रहती थी, आज वहां पे 3-3, 4-4 गुना महंगाई हुई है। अगर आप कांग्रेस का कार्यकाल देखेंगे, 2013-14 का भी उठाकर देखोगे तो 14% महंगाई थी। उस समय कोविड-19 पेंडेमिक नहीं थी, उसमें सप्लाई चेन डिसरप्ट नहीं हुई थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी थी, दुनिया के किसी देश में युद्ध नहीं चल रहा था। कोविड-19 महामारी के समय भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए, आत्मनिर्भर भारत की सोच को लेकर जो आगे बढ़े, आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सबने कहा है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, हमने इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने, और जिस रफ्तार से हम चले हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेंगे और दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में आने वाले समय में खड़ा होंगे। दुनिया ने भारत को दुनिया का भविष्य बताया है। कल राष्ट्रपति पुतिन की बात सुने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिन्होंने कहा, यह पहली बार किसी का नहीं, दुनिया का नजरिया जो भारत के प्रति बदला है, ये भारत की बढ़ती साख, नए भारत की पहचान, और मैं तो कह सकता हूं सशक्त भारत, नया भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और आत्मनिर्भर भारत से इसका रास्ता निकला है। महंगाई पर तो अंकुश लगाया ही, तेल की कीमतों में भी हमने केंद्र के टैक्सों में कटौती की, जहां भाजपा की सरकार है वहां पर कटौती की, लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य है या विपक्षी दल है वहां पर कटौती नहीं हुई। आज मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने वायदे किए थे कर्जा मुक्त करेंगे जो किसानों का, पंजाब में इनकी सरकार थी 5 साल रही, नहीं कर पाए, राजस्थान में नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए, 5-5 साल सरकार के होने वाले हैं, ये तो झूठे वायदे करने वाले हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कहा था हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल सरकार में रहे कितनों को दी, कांग्रेस आज उसका जवाब नहीं देती है। ये चुनाव से पहले केवल कोरे कागज भरवाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद प्रदेश को पिछाड़ने का काम करते हैं। आउटसोर्स कर्मी नाराज हैं, ओपीएस कर्मचारी नाराज हैं, सरकारी कर्मचारी खुश नहीं है, ऐसे में जो कर्मचारी डोमिनेटेड प्रदेश है उसमें क्या मानते हैं आपकी कितनी मदद मिलेगी? अगर आप पूरे हिमाचल प्रदेश को देखेंगे, छोटा सा हिमाचल प्रदेश, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे अधिकारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है कोविड-19 के समय भी और हिमाचल प्रदेश के पिछले 5 वर्षों में प्रगति के समय भी, वो हिमाचल की तरक्की का एक हिस्सा रहे और आगे भी हिस्सा रहेंगे। हमारे कर्मचारी हमारी सरकार की और प्रदेश की रीढ़ है, मुझे पूर्ण विश्वास है वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हिमाचल प्रदेश का योगदान जरूरी है और हिमाचल प्रदेश लगातार योगदान कर रहा है। हम कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के साथ साथ आम जनता में भी, जो 60 साल की उम्र से ज्यादा वाले, उनको पेंशन देने का काम भाजपा ने किया है, बिजली के बिल माफ किए हैं, पानी के बिल माफ किए हैं। आज तो एक वीडियो वायरल हो रही है सर मुख्यमंत्री की कि अगर पेंशन लेनी है तो इलेक्शन लड़ो, और बहुत हर मोबाइल पे आज की डेट में वो है ना, मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं आई है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बदला है हिमाचल, बदलेंगे रीत,
फिर होगी भाजपा की जीत। सर बेरोजगारी में हिमाचल छठे स्थान पर है, दस स्थानों में छठे स्थान पर है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? रोजगार स्वरोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न होते हैं? अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, और मैं तो चाहता हूं कांग्रेस के मित्र इसका जवाब जरूर दें। आज तक हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार रोजगार के अवसर कहां आए? जब प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, 1 दिसंबर 2002 को इसी शिमला में सोलन भी आए थे अटल जी, औद्योगिक पैकेज की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश में अगर आज 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार स्वरोजगार प्राइवेट क्षेत्र में मिला तो अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी, प्रेम कुमार धूमल जी की देन है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मेडिकल डिवाइस पार्क जहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा, और बल्क ड्रग पार्क जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल बनाने के लिए 15 से 20 हजार करोड़ का निवेश और 20 से 30 हजार लोगों को रोजगार के अवसर, स्वरोजगार के अवसर देंगे। ये कदम हम उठा रहे हैं, रेल की पटरियां हम बना रहे हैं, चौड़ी सड़कें हम बना रहे हैं, आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर भाजपा बना रही, जिसके माध्यम से उद्योग भी आएगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी वहीं से उत्पन्न होंगे। मुद्रा योजना बगैर गारंटी के, बगैर जमीन के भी रखे आपको मिलता है, देश में 34 करोड़ खाता धारकों को मिला, 18 करोड़ 36 लाख से ज्यादा एससी एसटी के लोगों को मिला, महिलाएं 55-60% ज्यादा इसकी भागीदार है। आप देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम देश में कहां थे हम दुनिया में? कहीं नहीं थे। हमारी सरकार आई, स्टार्टअप इकोसिस्टम में 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बने, दुनिया का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बना। कितनी यूनिकॉर्न्स बनी? 107। कोविड के समय 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनी स्टार्टअप। क्या ये बदलते भारत की तस्वीर नहीं? इसमें हिमाचल भी योगदान देगा, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर आपने एक बयान में कहा था एक इंटरव्यू में कि सीएम का फेस जो है पार्टी हाईकमान तय करेगी, वहीं नड्डा जी कह रहे हैं कि सीएम जो है जयराम जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो वही कह सकते हैं, आपका स्टैंड क्या है सर? सीएम तो जयराम जी है ही है, वो तो एग्जिस्टिंग है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी में ऊपर कुछ नहीं होता जी। अनुराग जी आपने बोला कि दोबारा सरकार आए तो विकास रुका हुआ है, जो और बढ़े विकास, जैसे रेल का एक्सटेंशन हो, लेकिन कांगड़ा और पठानकोट के बीच जो चक्की ब्रिज है वो बह गया, तो वो बनाए 2-3 महीने हो गए, वहां ट्रेन चल ही नहीं रही है, वहां के लोग थोड़े नाराज हैं इसलिए। और दूसरा कांग्रेस की आज चार्जशीट आ रही है, उसके लिए थोड़ा बता दीजिएगा। देश भर के बहुत सारे राज्यों में अगर बारिश उस ढंग से हुई उसमें हिमाचल को भी नुकसान हुआ, और जब कोई पुल ढहा तो उसमें अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाती है, रेलवे विभाग उस दिशा में भी प्रयास कर रहा है, हमने उनके साथ इस विषय को उठाया भी है और उस पर तेजी से काम भी होगा। और दूसरा जो आपने कहा चार्जशीट, जिनके अपने काम ऐसे थे वो दूसरों पे चार्जेस क्या लगाएंगे? जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए दलदल में भ्रष्टाचार के, वो कांग्रेस के लोग किस पे आरोप लगाएंगे? जिनका राष्ट्रीय नेतृत्व बेल पर हो वो चार्जशीट देने का तो मॉरल अधिकार ही नहीं रखते। बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवार और उनके देश और प्रदेश के नेता, ऐसी हालत है जी, वो चार्जशीट क्या देंगे? बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवार खड़े हुए भाजपा के उम्मीदवार के देखिए किसी भी चुनाव में जब टिकट का बांटन होता है तो आप देखेंगे हर राजनीतिक दल के कुछ ना कुछ लोगों की इच्छा होती है कि चुनाव लड़े, स्वाभाविक है सबको टिकट नहीं मिल पाता है, और कई बार पार्टी के कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता होते हैं उनको लगता है कि इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन उनको मनाने का प्रयास है। आज दोपहर तक का हमारे पास समय है, आप देखेंगे काफी लोग आज विड्रॉ भी करेंगे और बहुत सारे लोग उसमें से निकल जाएंगे। भारद्वाज जी की सीट बदली गई तो कार्यकर्ताओं ने ये तर्क दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की तर्ज पर उनको भी सक्रिय राजनीति से हटाने का काम किया जा रहा है, अब क्या भाजपा ने ये नया ट्रेंड सेट किया सर? देखिए पार्टी बहुत सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए रणनीति तय करती कि किसको कहां से लड़ाना है, और कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसकी सीटें कम आए।
वो रणनीति के तहत आपको कभी एक सीट से कभी दूसरी से लड़ाया जाता है। हमें हिमाचल में आदत नहीं है क्योंकि छोटा राज्य है, लोग एक ही सीट से लड़ने की आदत होती है, लेकिन देश भर में देखेंगे अलग अलग सीटों से नेता लड़ते रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी सुरेश भारद्वाज जी की अगर मैं बात करूं, पूर्व सांसद रहे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश में बहुत सफल मंत्री रहे और एक सफल विधायक के रूप में भी, उनका कद इतना बड़ा है कि किसी भी सीट से लड़ेंगे जीतेंगे और हमें एक सीट की और एडिशन करेंगे। देखिए, जब आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर काम करते हैं और आपने 5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं की वो मेहनत देखी होती है, उनके अथक प्रयास देखे होते हैं, जिन्होंने ना तूफान देखा, ना आंधी देखी, ना बारिश देखा, ना सर्दी गर्मी का मौसम देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पोलिंग बूथ पर मजबूत किया, जिसने चुनाव हारने के बाद भी मेरे लोकसभा चुनाव में 28,000 मतों से ज्यादा की लीड दिलाई हो, ये समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। और उसका उदाहरण धूमल जी ने एक नेता के रूप में करके दिखाया है कि 2017 के टिकटार्थी थे, 5 साल तक उस विधानसभा को सींच कर जिसको भी टिकट मिलती उसको देने के लिए पूरी विधानसभा सींची भी और जीत की स्थिति में लाकर खड़ा भी किया है। और उन्होंने 2 महीने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर और उससे पहले पार्टी के नेतृत्व को बता दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो पार्टी के नियम उनके अनुसार एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। और मुझे लगता है एक ऐसा उदाहरण धूमल जी ने सेट किया है कि कार्यकर्ता क्या होता है, वो चुनाव के बाद 2017 के बाद 15 दिन के बाद फील्ड में पोलिंग बूथ का गठन से लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे, ये देश में शायद उदाहरण कहीं पर मिलता है तो हिमाचल प्रदेश में। और यही दिखाता है कि जहां पर हमें कहा जाता था ढाईयाली मुकदा, यानी कि 2.5 साल की सरकार खत्म नहीं होती, वहां 5 साल की सरकार एक बार नहीं दो दो बार चलाने का काम भी किया और पिछली बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार लाने का काम किया। सर, मैं नीता है, मैं नोएडा फिल्म से भी साई न्यूज इंडिया, आपकी का लगाया हुआ पौधा है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि सब लोगों से निपट के क्या आप कीमती वक्त में से सिर्फ 5 मिनट मुझे दे सकते हैं? चलिए, धन्यवाद। अनुराग जी, मेरा सवाल ये है कि कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट भी कटे हैं, जिनमें नाम धूमल जी है या मिश्र सिंह है और गुलाब सिंह जी है, कई नाम है, क्या वरिष्ठ नेताओं को इग्नोर करके खत्म है वापसी हो सकती है, रिवाज बदला जा? टिकट पार्टी बहुत सारे बातें तय करती है और जैसे मैंने पहले कहा, समय समय पर पार्टी अपनी रणनीति भी तय करती है और पार्टी में सब विचार मंथन करने के बाद ही तय किया जाता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और जो पार्टी हाईकमान ने तय किया उसी निर्देश पर प्रदेश नेतृत्व के साथ तय करके टिकट का आवंटन हुआ है। और मैं कह सकता हूँ हमारे जो नए उम्मीदवार भी हैं वो बहुत लोकप्रिय भी हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में भी हैं, हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। अनुराग जी, केजरीवाल जी ने जो लोट है उन पर लक्ष्मी और गणेश जी के फोटो लगाने की बात कही है, आपका क्या स्टैंड इस पर? जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जो और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये तो नया नया प्रोपोगंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज़्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जी वाले हैं जी, ऐसा ही होता है, फर्जी वाले जो हैं यही काम करते हैं। प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव में से उन्होंने आए थे, बोला था कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई एप्पल की और पीछे बागवान सड़कों में भी थे, तो 1,150 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था हॉर्टिकल्चर का वो 650 करोड़ को 650 करोड़ का कर दिया गया, तो किस तरह इस डैमेज कंट्रोल का एक बार बने
नहीं, हमने लगातार देखिए वर्ल्ड बैंक का हो या बाकी प्रोजेक्ट्स, हमने बागवानी के क्षेत्र में बहुत काम किया है जी। उत्पादन भी बढ़ाया, हमने खरीद भी बढ़ाई है और हिमाचल से लगातार शानदार काम हुआ है। जहाँ सड़कों की समस्या थी हमने उसको भी दूर करने का काम किया। आगे भी बागवान के माध्यम से प्रदेश की आय भी बढ़ती है और बागवानों की आय भी बढ़ती है। हम देश भर में भी कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बहुत हमने काम किए हैं। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए जी, दुनिया भर में 3 गुना ज़्यादा दाम खाद के बढ़े। हमने हिंदुस्तान के किसानों पर खाद के दाम नहीं, दबाव नहीं पड़ने दिया। 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी केवल इस साल यूरिया की है और उसके अलावा हमने पीएम किसान सम्मान निधि से किसान के खाते में 6,000 रुपये की मदद हर साल करने की काम किया। 11 करोड़ के लगभग किसानों को उसका लाभ मिलता है। 2,20,000 करोड़ से ज़्यादा की मदद हम किसानों को उसमें कर चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हमने 30% फसल बर्बाद होगी तब भी आपको मुआवजा मिलेगा, ये भी बदलाव कर दिया। 1,000 करोड़ के मुआवजे दिए, इसमें किसानों बागवानों को लाभ भी मिला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो हमने किसानों की आय को दुगना करने की बात कही, लागत प्लस 50% हमने ये दे भी दिया है। और MSP में भी दलहन तिलहन पर तो 75-80% से ज़्यादा पे हमने उसके दाम भी बढ़ाए और जो गेहूँ वगैरह पर हमने उसमें 50% से ज़्यादा के दाम भी बढ़ाने का MSP का काम किया है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में नए और बड़े प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं, ना केवल अपर हिमाचल बल्कि पूरे हिमाचल के अलग अलग जिलों में जो जो बागवानी के क्षेत्र में किया जा सकता है वो करने का हमने हर संभव प्रयास किया। इम्पोर्ट ड्यूटी जितनी मैक्सिमम हो सकती है जी उतनी है, जितनी इम्पोर्ट ड्यूटी लग सकती है रूल्स के हिसाब से उतनी है। अनुराग जी, हिमाचल के सेब के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आती है जी। अनुराग जी, आज का 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें हिमाचल सरकार के मंत्री उनसे, मैंने वीडियो देखा नहीं, देखूंगा तो चर्चा करूंगा। चलिए आगे, और किसी का कोई प्रश्न हो तो। सर, प्रदेश में जिस तरह से बागियों को बिठाने में ऐसा पहली बार देखा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों को खुद आना पड़ रहा है, क्या लगता है कि अब प्रदेश का नेतृत्व सशक्त नहीं है या फिर केंद्र से इजाजत नहीं है उनको अपने स्तर पर इस तरह के काम करने? भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है, मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है तो आते हैं। हिमाचल प्रदेश को माइक बंद कर दो, हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, दूसरा बंद कर दो, इको हिमाचल प्रदेश को मोदी जी अपना दूसरा घर मानते हैं। और जब भी हिमाचल प्रदेश आए, ऐतिहासिक रैली यहाँ पर हुई, उनका स्वागत अभिनंदन हुआ, मोदी जी ने दिल खोल कर हिमाचल को सौगात दी है। और जो बाकी केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमारे पास तो 8 साल की केंद्र की और 5 साल की प्रदेश की सरकार है जो बेदाग है, भ्रष्टाचार मुक्त है, सुशासन युक्त है। हम जनता के बीच में सिर उठाकर जाते हैं, कांग्रेस वाले नहीं जाते। हम विकास करते थे, कांग्रेस विरोध करती थी। हम एम्स लाए, PGI लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, कांग्रेस ने रोकने का काम किया, जमीन नहीं देने का काम किया। हमने चहुंमुखी विकास किया, कांग्रेस ने चौतरफा विरोध किया है। प्रदेश को तय करना है विकास वालों के साथ कि विरोध वालों के साथ चलना है। 5 साल पहले सरकार बदली, पिछले 5 साल में हालात बदले तो अब क्यों सरकार बदले। अनुराग जी, एक सवाल आपके डिपार्टमेंट से है से, कि आप आईएनटी मिनिस्टर हैं, क्या हिमाचल में दूरदर्शन और आकाशवाणी को एक्सटेंशन करने का कुछ है? हमीरपुर में आकाशवाणी केंद्र को रेनोवेट करके नया स्टूडियो, डिजिटल स्टूडियो सब कुछ दे दिया गया है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम 24/7 DD को करने वाले, मैंने आपके सामने पहले भी कहा और वो बनकर वो भी तैयार हो गया, 4 संहिता लग गई, नहीं तो शायद अब तक उद्घाटन हो चुका होता और आपको समर्पित कर दिया होता। अनुराग जी, कल 30 तारीख को जो है वो 68 विधानसभाओं में विजय संकल्प रैली की जाएगी, कितना बूस्ट अप उससे मिलेगा पार्टी को और प्रचार में कितनी गति मिलेगी? देखिए, एक तरफ कांग्रेस है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में भाई बहन भी जुड़कर इकट्ठे नहीं चल पाए, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी है जहां पर 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प अभियान चल रहा है। वहां भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। भाई बहन को इतने दिनों में इकट्ठा नहीं देखा गया, यहाँ पार्टी के सारे नेता इकट्ठे मिलकर विजय संकल्प अभियान में चले। यही अंतर है भाजपा में और कांग्रेस में। अनुराग जी,
और जहां तक आप आम आदमी पार्टी के बारे में पूछ रहे हो, तो मैं यही कहूंगा, पड़ोसी पंजाब में जाकर देख लीजिए, 3 महीनों में 70 से ज्यादा हत्याएं हो गई, गैंग वॉर शुरू हो गए, कानून व्यवस्था चरमरा गई, उनका स्वास्थ्य मंत्री घोटाले के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में 2 महीने में इस्तीफा देना पड़ा, और दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी का 4 महीने से जेल में काटता रहा, और उनके शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में पाए गए मुख्य आरोपी के रूप में, और अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन पाए गए शराब घोटाले में। ये फर्क है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ केंद्र और प्रदेश में सरकार दी है। ये डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेज रफ्तार है, फिर भाजपा की सरकार है। मित्रों, आप सबका धन्यवाद, कृपा जलपान करें करके जाएं।